यूपी में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर योगी सरकार ने मिशन शक्ति अभियान शुरू किया। तो यूपी के संभल में नारी सशक्तिकरण को लेकर छात्रा आकांक्षा भार्गव को एक दिन की चंदोसी कोतवाल बनाया गया। एक दिन की कोतवाल बनी आकांक्षा भार्गव ने कोतवाली पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी और कार्यवाही का आश्वासन दिया तथा SHO की गाड़ी में सवार हो क्षेत्र का भ्रमण कर कानून व्यवस्था का जायजा भी लिया। तस्वीरें संभल की चंदोसी कोतवाली की है, जहाँ कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा की कुर्सी पर बैठी ये छात्रा आकांक्षा भार्गव जो एक दिन की शहर कोतवाल बनी है। आकांक्षा सुबह 10 बजे कोतवाली पहुंची, नियमित डाक देखने के बाद थाने के अभिलेखों का निरीक्षण किया, अभिलेखों के उचित रख रखाव के निर्देश भी दिए। यही नहीं, अपनी समस्याएं लेकर कोतवाली पहुंचे इन लोगों ने एक दिन की शहर कोतवाल को अपनी समस्याएं बताकर समाधान की गुहार भी लगाई। हालांकि एक दिन की कोतवाल आकांक्षा ने सभी मामलों में जाँच कराकर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आकांक्षा भार्गव महिला अपराधों को लेकर संजीदा दिखी और दावा किया कि महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्यवाही आवश्यक है। ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आदित्यनाथ योगी जी ने जो कराया है मिशन शक्ति के अंतर्गत यूनिसेफ के पार्टनरशिप के साथ। और मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अलग फीलिंग आ रही है क्योंकि यूजली क्या होता है, हम लोग बाहर से जब देखते हैं कोतवाली को तो थोड़ा सहमे होते हैं, थोड़ा डरते हैं अंदर घुसने में। और आज जब मुझे यहाँ आके लगता है तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि सब बहुत फ्रेंडली हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे ऐसे ही आ सकते हैं और आपकी सुनवाई पक्का होगी। मैंने यहाँ आकर सबसे पहले डाक आपने सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया, उसमें कौन कौन से कार्यालय थे? मैंने सबसे पहले SHO ऑफिस देखा, उसके बाद माल खाना, पुलिस ऑफिस का जो पुलिस स्टेशन का मेन ऑफिस, फिर लॉकअप देखा, मुझे पहली बार लॉकअप देखा मैंने, और उसके बाद देखा डाक कार्यालय, उसके बाद देखा डाक कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मैस और बाकी बहुत कुछ मैंने इधर देखा। सब कुछ मेरे लिए काफ़ी नया था एंड काफ़ी एक्साइटिंग है देखना। तो अच्छा, एक दिन की आप कोतवाल बनाई गई हैं, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो भी इस पुलिस स्टेशन के अंदर आता है सबसे पहले उनको कंफर्टेबल फील कराना, उनसे बात करना, उनसे उनकी समस्या को सुनना और उसका सुझाव अच्छे से निकलवाना, उसका सोल्यूशन निकालना उनकी प्रॉब्लम का। आज एक दिन का कोतवाल बनी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटिंग है और अच्छी फीलिंग है। मैं हमेशा से सोचती थी कि कैसे चलता है, कैसे एक्चुअली अंदर पुलिस स्टेशन वर्क करता है, तो आज मुझे वो साक्षात देखने का मौका मिल रहा है तो मैं काफ़ी खुश हूँ। योगी जी की इस मुहिम को किस तरीके से देखें आप? मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इन द सेंस कि लोगों को यहाँ आने से डर लगता था और अगर वो आज देखें कि मेरे को यहाँ देखेंगे या सोशल मीडिया पे यूनिसेफ वाले इसको काफ़ी अच्छे से ब्रॉडकास्ट करेंगे तो लोगों को देखकर थोड़ी सी संतुष्टि होगी अंदर घुसने में, शायद उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा और आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और इन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया है एक दिन के लिए। इन्हें थाने की वर्किंग देखना और थाने के जो कार्य प्रणाली होती है उसको एक्सेप्ट करते हुए जनता में, खासकर महिलाओं में, बच्चियों में एक संदेश देना कि महिलाएं भी फ्रीली अपनी बात रखने के लिए थाने में आ सकती हैं, अपनी समस्याओं को रख सकती हैं और ये जो फील करेंगी उसको एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगी अपनी महिलाओं में, अपने कलीग में, अपने परिवार में, जिससे एक मैसेज जाएगा कि नहीं, जनता में जो महिलाएँ हैं उनको सुरक्षा और संरक्षा देने वाली जो एजेंसी है वो उनके साथ एकदम फैमिलियर रूप में रहती है और अच्छे से काम करती है और फ्रीली उनके साथ इंटरेक्ट करती है। इस बात के लिए ही आज एक दिन के लिए महिला को ही पूरे उसका कार्यप्रणाली का अध्यक्ष बनाया गया है थाने के, जिससे कि ये मैसेज आए लोगों में जो थाने आने से हिचकते हैं या अपनी बात फ्रीली नहीं रख पाते हैं, वो घरेलू हिंसा हो या पारिवारिक प्रताड़ना हो, रेप हो, पिंजिंग हो या किसी तरीके का मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ हो, जो महिलाओं के साथ होने वाला अपराध है उसमें एक सशक्त भूमिका निभाएंगी ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ऐसा हम लोग अपेक्षा करते हैं। सर, आपके साथ अपना अनुभव साझा किया, कैसा बता रही हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक बता रही हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि इन फ्यूचर कुछ खुद भी और आने वाले अपने परिवार के या अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जिससे वो पुलिस सर्विसेज में आए, जिससे अधिक से अधिक लोग महिलाओं की पुलिस में भागीदारी हो और महिलाओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुन के उनका सशक्त निराकरण कर सके।